नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। आज से जिला चंबा के सभी डॉक्टर पैनडाउन हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल के दौरान सभी डॉक्टरों ने अपने अपने स्थानों पर गेट मीटिंग की। सभी ने एक मत से फैसला लिया है कि यदि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो यह हड़ताल जारी रहेगी। इस बारे बोलते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है, जिस कारण हम आज से हड़ताल कर रहे हैं। और अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो एक सप्ताह बाद वह अपने आंदोलन को और अधिक उग्र कर देंगे। पूरे स्टेट में हमारा प्रोटेस्ट चला हुआ है। बेसिकली जो पंजाब में सिक्स पे कमीशन था, उसमें हिमाचल इसको फॉलो करता है, तो जो उसमें कंडीशन थी, जैसे सीलिंग थी, वो वहाँ पे 2,38,000 है, तो हिमाचल में वो 2,18,000 कर दिया है। और एनपीए 25-20% कर दिया है। और जो हमारे नए डॉक्टर आ रहे हैं, उनकी भी जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी पे कम हो रही है। तो अगर आपने पे कमीशन को फॉलो करना है पंजाब का, तो उसको जितनी कंडीशन है पूरी फॉलो की जाए, उसे पिक एंड चूज नहीं होगा। और कोरोना काल में हमें दुख है कि हम सभी डॉक्टरों को इस तरीके का स्टेप लेना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार का रवैया डॉक्टरों के लिए ठीक नहीं है। तो पूरे हिमाचल में उसमें HMO पूरे हिमाचल की, RDA और जो फैकल्टी एसोसिएशन है, सभी इसमें एकजुट हो गए। हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से हमारा अनुरोध है कि जल्दी जल्दी हमारी इन मांगों को माने। और इसके रिगार्डिंग हम पहले भी 4 बार सरकार को इसके लिख चुके हैं और मिले हैं, बट अभी तक जो रवैया है सरकार का, वो डॉक्टरों के लिए ठीक नहीं है। और हम जनता को भी ये संदेश देंगे कि हमारा कोई इसमें लोगों को तंग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार का जो रवैया है उसको कई बार आपको अपनी आवाज़ को मद्देनजर ऊँची करने के लिए कि आपकी मांगे माने, इसलिए हमें ये स्टेप लेने पड़ते हैं। तो 9:30 से 11:30 तक अब डेली 2 घंटे की पैनडाउन स्ट्राइक होगी, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, जहां कोई बैठ के बात नहीं होती है, जहां हमारी मांगों को मानते नहीं है। तो हमारी ये राज्य कार्यकारिणी जो है, उसके जो भी निर्देश होंगे उसको हम फॉलो करेंगे और आपको डेली हम अपडेट करेंगे कैसे आगे हम इसको फॉलो करेंगे। सर, किस तरह की विसंगतियाँ आपकी, क्या विसंगतियाँ इस पे कमीशन में? डॉक्टर्स की अनदेखी हुई है और सारी कैटेगरीज़ को जो पंजाब के तर्ज पे सब कुछ दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स इसमें बहुत प्रभावित किए गए हैं, क्योंकि NPA जो है वो उनका 25% से 20% कर दिया गया है, और जो सीलिंग का लिमिट है वो भी कम कर दिया गया है। और साथ में डॉक्टर्स की एक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है 4-9-14, जिसके अंदर 4, 9 और 14 साल के बाद डॉक्टर्स को पे हाइक मिलता है, तो वो भी इस पे कमीशन में ख़त्म कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से डॉक्टर्स कम्युनिटी में रोष है। इसके लिए हमने सरकार से 2-3 बार गुजारिश भी की कि ये विसंगतियाँ टाइमली ख़त्म कर दी जाएँ, लेकिन सरकार ने हमारी डॉक्टर्स की तरफ कोई डिमांड्स की तरफ अभी तक कोई खास ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम ये सब करने को बाध्य हो गए हैं। तो सर, स्वास्थ्य सेवाएं जो बाधित हो रही हैं वो क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, जैसा आपको बताया गया है कि सिर्फ OPD 2 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए बाधित है। इमरजेंसी सर्विसेज वैसे ही चलेंगी, उनमें कोई रोक टोक नहीं होगी।